नमस्कार, मैं सतपाल सिंह, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। पूरे देश में जश्न का माहौल रहा है, पूरे देश में जश्न मनाया गया है। अब 2024 में लोकसभा का चुनाव आने वाला है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, युवा वर्ग हैं, इनसे जानेंगे कि जो चुनाव आ रहा है उसमें वोट राम नाम को देंगे या इनके कुछ अन्य मुद्दे रहेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम राहुल ओबार, और मैं आपको बताऊं, ये आपने आज बहुत ही सौंदर्य का जो आज भावुक राम नाम के नाम पर बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पहले तो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से उन राम भक्तों को जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया है, अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, क्योंकि आपको पता है ये 500 साल बाद हमें खुशी का माहौल देखने को मिला है कि 500 साल संघर्ष करने के बाद ये राम मंदिर प्रतिष्ठान का जो मूर्ति वहाँ स्थापित हुई है, जो राम मंदिर लला अयोध्या में स्थापित हुए हैं, वो जो भी इसमें संघर्ष किया है, हज़ारों की जानें गवाई हैं, उन सभी को भावपूर्ण पहले श्रद्धांजलि देता हूं। और जितने भी साधु संतों ने उसमें एक त्रिपाल में राम जी लला को 500 साल से लेकर अब तक उन्होंने उनकी प्रतिष्ठा को नहीं छोड़ा, और उन्होंने रामलला की मूर्ति जब तक स्थापित नहीं हुई तब तक उनका साथ नहीं छोड़ा, मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं आपको बताऊँ, सरकारें आएंगी जाएंगी, सरकारों का हमें कोई लोभ लालच नहीं है, लेकिन सरकार किसी की भी हो, लोकसभा का चुनाव है, इसके लिए बहुत ही शुभकामनाएं, क्योंकि लोकतंत्र, लोकतंत्र के में एक चुनाव और एक वोट ये ऐसा अधिकार है कि जिससे हम लोगों का मनोबल बढ़ा सकते हैं और अपने कार्य योजना निकाल सकते हैं। अभी लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव में हमारी सर्वप्रथम राम जी का मंदिर बना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर्वप्रथम हमारी जो बेरोजगारी है, आपको पता है कि भरतपुर में आप देख लीजिए, कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि यहाँ पर जो रोज़गार मिल सके, और बेरोज़गार ये इधर उधर भटक रहे हैं। आज अपराध बढ़ रहा है वो बेरोजगारी से बढ़ रहा है, अगर आज रोज़गार होता तो अपराधों पर भी कहीं ना कहीं तक अंकुश लगता। आज बताइए कि अगर कोई बनिया बामण के भी अगर नौकरी करे कोई भी, तो उनकी सैलरी होती है वो 8 और 10 हज़ार रुपये की होती है, जो कि एक परिवार को चलाना, खुद का खर्चा नहीं निकल पाता इतने में, और वो अपने परिवार को कैसे चले। तो सर्वप्रथम सरकारें कोई भी हो, इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उनको ये सोचना चाहिए कि युवाओं के लिए ऐसा कुछ रोज़गार दें, ऐसा कुछ प्रतिष्ठान दें जिससे कि बेरोज़गारी कम हो और अपराधों पर लगाम लगे। और दूसरी बात, लोकसभा का चुनाव है, हम इसमें दूसरी मांग ये करते हैं कि जितने भी छात्र पढ़ रहे हैं, आज छात्रों पर इस तरीके का अत्याचार और अपराध किया जाता है कि छात्रों की फीस इतनी, सरकारी जो पहले फीस होती थी उसको कहीं ना कहीं 10-10, 12-12 गुना बढ़ा दिया गया है। ये केवल और केवल एक सरकार की सहमति होती है। मैं इससे, इस मीडिया के आपके माध्यम से, मैं उन सभी से भी कह देना चाहता हूँ, सरकारें लूटना खसोटना युवाओं को कम करें। इस बार जो वोट देंगे, वोट राम नाम पे देंगे, आप कुछ अन्य मुद्दे रहेंगे, बात वो है। देखिए साहब, मैं आपको बताऊँ, राम नाम तो सबका है, राम नाम तो सुबह से लेकर शाम तक सबका जपना है, लेकिन सरकार अगर राजनीति रामलला से समझती है तो ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। हम वोट देंगे, कार्य योजना पर देंगे और कार्य को दिखावे के रूप में देंगे। जो सरकार और जो प्रतिनिधि कार्य करेगा हम उसके नाम पर वोट देंगे। तो हमारे साथ और भी युवा हैं, इनसे जानेंगे। जी, आप बताएं आपका नाम। नमस्कार, मेरा नाम इंजीनियर तपन शर्मा है, पूर्व विधायक प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र भरतपुर से हूँ। और सबसे पहले तो मैं भरतपुर को और पूरे भारत को, जो भी हिंदू हैं, जो भी भारतीय हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और नमस्कार कहता हूं कि रामलला हमारे बीच में अवतरित हो चुके हैं एक मूर्ति के रूप में। उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी जो रहा वो विश्व स्तरीय रहा, इसके लिए भी मैं सबको बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। और देखिए, आपने पूछा कि क्या राम के मुद्दे पर वोट दी जाएगी। देखिए, सबसे पहली बात तो रामचरितमानस में एक चौपाई है, बंदव संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु बरना, बिचरत एक प्राण हर ले मिलत एक दुख दारुण दे। यानी गोस्वामी तुलसीदास ने संत हो चाहे असज्जन हो, यानी असाधु हो चाहे साधु, सबको ही दुखदायी बताया है। और ऐसा ही हम पिछले 75 सालों में देखते आ रहे हैं, चाहे अच्छी सरकार हो, अच्छा नेता हो, चाहे बुरा नेता हो, जिसकी छवि अच्छी हो चाहे बुरी हो, धरातल पर कोई विकास या कुछ चीज़ ऐसी दिखाई नहीं पड़ती है। सो और दूसरी बात ये रही कि भाई राम के नाम पे वोट देंगे, राम जी का आ जाना, मूर्ति का आ जाना, राम भक्त होना, ये एक अलग विषय है, लेकिन राम राज्य आ जाना, राम राज्य आ जाना ये अलग विषय है। राम राज्य की क्या परिभाषा हो सकती है?
राम जी की परिभाषा तो हम सब जानते हैं, राम जी हम सब के दिल में हृदय में रहते हैं, परंतु राम राज्य की क्या परिभाषा है? पहले सरकारें, अब राम जी का मंदिर बन गया, तो उस परिभाषा को भी आप पहले लोगों के सामने बताइए कि क्या परिभाषा है। क्या आप हर युवा को भरतपुर की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें या भारत की, क्या हमें अच्छी सरकारी नौकरियाँ या फिर हमें प्राइवेट अच्छी नौकरी, जिसमें जैसे कि राहुल भाई ने कहा कि नौकरियां तो हैं फिर वो 15,000-20,000 रुपये उनमें घर नहीं चलता आज के ज़माने में, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई। क्या आप सड़कों को आप वर्ल्ड क्लास बनाएंगे? क्या आप यहाँ पर व्यापार को आप जो है वो विश्व स्तरीय बनाने का प्रयास करेंगे? आपकी GDP क्या रहेगी? आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर आप क्या वर्क करेंगे? वो परिभाषाएँ बताइए, और सिर्फ परिभाषाएँ नहीं, सिर्फ सपने ही नहीं, रिजल्ट बताइए कि रिजल्ट उसका क्या निकला। क्योंकि कहते हैं ना, रिजल्ट डोंट लाई, परिणाम झूठ नहीं बोलते, सब कुछ झूठ बोलेगा, परिणाम दिखाइए। जो धरातल पे हमें क्या परिवर्तन दिखाई देता है वो परिवर्तन बताइए, अभी जो परिस्थितियाँ हैं। और जो राम राज्य है, राम जी तो सबके हृदय में बसे हुए हैं, परंतु राम राज्य क्या होगा उसके बारे में भी बताइए, और वो लाने का अगर प्रयास करती है सरकार तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा, मैं उनका भक्त। तो इस बार जो वोट देंगे वो वोट किस बार, राम नाम पे या अन्य कोई मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, वोट का जो होता है वो बहुत व्यक्तिगत मामला होता है, व्यक्तिगत उस पर परिस्थितियों पर निर्भर करता है ना। और कहीं ना कहीं व्यक्तित्व की अगर व्यक्तिगत अगर बात करी जाए या व्यक्तित्व की बात की जाए, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में धर्म भी एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो ये बात इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि कुछ लोग कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ा जो एक मुद्दा था जो कई वर्षों से चला आ रहा था राम मंदिर बनाने का, वो सॉल्व किया है। तो कहीं ना कहीं लोगों की ये भावना भी हो सकती है कि भावना उस मुद्दे की तरफ भी जा सकती हैं। बाकी यदि मैं अगर आपको व्यक्तिगत रूप से बताऊं तो मैं राम जी के भक्ति के साथ साथ मैं राम राज्य के को भी कंसीडर करूंगा। हमारे साथ और भी लोग हैं जी, आप बताएं। बोलो, क्या पूछना चाहते हैं? ये जो अब राम मंदिर बन गया, बहुत खुशियां मनाई गई, 22 जनवरी को जश्न मनाया गया, अब जो चुनाव आ रहा है, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तो इसमें जो आप वोट डालेंगे तो राम के नाम पे देंगे यार और कुछ मुद्दे? नहीं, हम तो साफ जाएंगे, राम फाम कुछ नहीं, 20 साल पहले उसका उद्घाटन हो चुका था राम का, तो अब तो झुमराबाजी हो रही है अब तो, 20 साल पहले हो चुका था राम का जन्म, वो अब झुमराबाजी है, वोटों को चक्कर पड़ रहा है, जो मन करेगा जनता वहाँ देगी वोट। तो हमारे साथ और भी हैं जी, हाँ भाई साहब जी, आप बोलिए, आप बताओ ना, आप युवा हैं, आपको रोजगार की भी जरूरत है, आप बताएं कि अब जैसे राम मंदिर बन गया है और इस बार जो अब चुनाव आ रहे हैं लोकसभा का, तो राम के नाम पे देंगे, कुछ आपके और भी मुद्दे हो सकते हैं? नहीं, ये अच्छी बात है कि हमारे जो राम की स्थापना हुई है वो बहुत अच्छी बात है, हमको भी बहुत अच्छा लगा इस चीज़ से, बट हम वोट तो इस हिसाब से देंगे हमारी, मतलब कि जो नौकरी वगैरह के हिसाब से या फिर हमारे विकास के हिसाब से, इस वजह से वोट देंगे हम तो। ये अच्छी बात है, हम मतलब कि तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि मतलब कि हमारे राम का मतलब कि स्थापना हुई है, बहुत अच्छी बात है, पर हम वोट तो इसी हिसाब से देंगे, रोजगार के हिसाब से और मतलब कि नौकरियों के हिसाब से। तो यहाँ पर लोगों को कहना है कि राम राज्य का, राम जो लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो राम तो ये बड़ी खुशी की बात है, देश में जश्न मनाया गया है, लेकिन इस बार जो वोट देंगे उसमें मुद्दे होंगे कि रोजगार हो, व्यापारियों का व्यापार बढ़े, इस मुद्दों को लेकर वोट देंगे। और इस बार जो भी वोट पड़ेगा वो रोजगार और महंगाई के ऊपर भी वोट पड़ेगा।